अहमद, ये प्राइम न्यूज इंडिया और संचार टाइम क्राइम न्यूज है। आज तारीख 8 मार्च 2022 है। आइए जानते हैं आज की अहम खबर। आज की अहम खबर कर्नाटका के शहर बेलगावी से है, जहां कांग्रेस भवन है वहां पर एक जो है महिला दिवस मनाया गया है। ये महिला दिवस बहुत ही धूमधाम से यहां आई हुई महिलाओं ने मनाया। ये महिला दिवस ऑर्गेनाइज किया है मनाने के लिए रोहिणी बाबसेठ, जो महिला कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी हैं ग्रामीण की। इन्होंने तमाम चीज़ को ऑर्गेनाइज किया और लोगों को, महिलाओं को बुलाकर एक महिला दिवस मनाया। इस दिवस में इन्होंने काफ़ी अच्छे सारे खेल का मुजाहरा भी किया और कई लेडीज़ ने मुंह में चम्मच डालकर, चम्मच में नींबू रखकर एक गेम खेला, एक स्पोर्ट्स खेला, जो काफ़ी लोग खुशी मनाते हुए नज़र आए। और इस महिला ने माइनॉरिटीज़ की, इस महिलाओं ने भी इसमें शिरकत की, जिसमें कांग्रेस माइनॉरिटीज़ की लीडर तबस्सुम है, मेघना मैडम है और अन्नपूर्णा मैडम, ये भी कांग्रेस की है, और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नावल गट्टी साहब भी इसमें तशरीफ़ फरमाते। आइए देखते हैं किस तरह से इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया और काफ़ी सारे महिलाएं इसमें शिरकत फरमाते, शरीक हुए और खुशी का इजहार किया। और महिला दिवस के मौके पर इन्होंने महिला की ताकत और महिला किस तरह से इस दुनिया को, इस शहर को, इस मुल्क को संभाल सकती है इन्होंने बताया है। और इस प्रोग्राम में उन्होंने प्रियंका गांधी का एक नारा भी लगाया, जो एक स्लोगन प्रियंका गांधी ने हिंदुस्तान की महिलाओं को दिया था। इस स्लोगन का नाम है, मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। इसको दोहराते हुए इनकी महिला जो प्रियंका गांधी की भी काफ़ी तारीफ की और पूरी तरह उनका साथ देने का वादा किया है। और इस प्रोग्राम में नावल गट्टी जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वो भी शामिल रहे और रोहिणी बाबसेठ ने प्राइम न्यूज़ इंडिया और संचार टाइम क्राइम न्यूज़ से बात करते अपने ख्यालात का इजहार किया और इन्होंने बताया कि महंगाई किस तरह बढ़ रही है और कांग्रेस का रोल आगे क्या होना चाहिए। आइए देखते हैं रोहिणी बाबसेठ और कई महिलाओं ने अपने ख्यालात का इजहार कैसे किया है। और पी न्यूज़ भी यहाँ पे है, हम लोग यहाँ पर आज बेलगावी कांग्रेस भवन में हैं, जहाँ पर महिलाओं ने महिला दिवस मनाया है और प्रियंका गांधी की एक आवाज़ है जो मैं महिला हूँ कुछ भी कर सकती हूँ, इस नारे को लेकर आप महिला लोग सब यहाँ पर जमा हुए हैं। यहाँ पर आपका जमा होना के पूरे हिंदुस्तान के लिए, कर्नाटक के लिए, औरतों के लिए, लेडीज़ के लिए क्या मैसेज देंगे आप? मेरा नाम रोहिणी बाबसेठ है, मैं जनरल महिला कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी हूँ और आज फर्स्ट मैं सबको महिला दिन की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ सब महिलाओं को। और आज सब तरफ से जितनी हमारी संगठनें हैं कांग्रेस की, ये सब अभी ये हम आज कांग्रेस ऑफिस में महिला दिन ये करने के, सेलिब्रेट करने के लिए जमा हुए हैं। तो हम महिला कुछ भी कर सकते हैं, खाली घर में पकाने का पकड़ के, बच्चों को संभालने का लेके एक सरकार चला सकते हैं, एक पुलिस ऑफिसर रहने दो, एक वकील रहने दो, एक कौन से भी ऑफिशियल वर्क में रहने दो, आज महिला किसी भी इसमें पीछे नहीं है। तो ये हम आगे भी पूरा ये करना चाहते हैं, मतलब करके दिखाना चाहते हैं। तो जितने भी हमारे बैकवर्ड्स लेडीज जो है, जिधर जिधर हम सब तरफ से भी जाके उनको मिल रहे हैं, सबको संगठना कर रहे हैं और उनको हमारे कांग्रेस की तरफ से जितना अभी स्कीम्स है, जितना क्या जो फ़ायदा है इधर से गवर्नमेंट से, वो हम उनको बता के दे रहे हैं, उनको हमारे तरफ ये कर रहे हैं। मतलब जितना हम पीछे रहते ना, हमें पीछे ही डाल रहे हैं। तो हम पीछे नहीं रहना चाहते, क्योंकि आज मंगल ग्रह तक हम एक महिला पहुंची है, तो इसके आगे भी हम इससे ज़्यादा कुछ करना चाहते हैं। अभी आप कांग्रेस पार्टी में है कितने साल से, मुझे तो मालूम नहीं, कांग्रेस में आपकी पोजीशन मजबूत है, कांग्रेस आपको सपोर्ट कर रही है? हाँ कर रही है, कांग्रेस सपोर्ट कर रही है। मैं 18 साल से NUC जब ये था, स्टूडेंट ये था तब, मैं उसकी प्रेसिडेंट थी और अभी इधर बेलगाम में 7 साल हुए हम इधर है। और सतीश अन्ना जारकेवाड़ी और प्रियंका मैडम, लक्ष्मी हेबाड़कर मैडम, निम्बाड़कर मैडम, जो सब लोग सपोर्टर्स हैं, हमें खूब अच्छा सा सपोर्ट करते हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए। और जो भी स्कीम्स रहने दो, क्या भी रहने दो, हम सब के लिए उन्हों सब सपोर्ट करते हैं, हमारे सतीश अन्ना जारकेवाड़ी। अभी तो हम देख रहे हैं लॉकडाउन होने के बाद से 2-3 साल हुए, हम भी खुद स्ट्राइक करे हैं जो बढ़ती रेट्स है ना, क्योंकि घर की औरत को ही पता चलता है कि नमक का क्या रेट है, तेल का क्या रेट है, गैस का क्या रेट है,
क्योंकि घर चलाने वाली एक औरत है, एक महिला है, तो इसको ही रेट का मालूम है। अभी सिलेंडर भी 2000 तक जाने वाला है करके बोल रहे, लेकिन ऐसा करे तो ये आम आदमी, हम महिलाएं नहीं जी सकते। तो इसलिए हम पूरा कम होने तक हम जितना हमारे हाथ से होगा हम स्ट्राइक करेंगे वो रोकने के लिए, क्योंकि उन्होंने भी सोचना चाहिए। मैं एक मोदी को एक मैसेज देना चाहती हूँ, मोदी जी उनकी एक शादी करके देना चाहिए, तब उनको मालूम पड़ेगा कि फैमिली क्या है, घर कैसा चलाना है। वो उनको मालूम नहीं, डेली उनका खाली ड्रेस का ही 10 लाख रुपए जाता है, वो भी हमारे खर्चे से, जो हम टैक्स भरते हैं, लाइट बिल भरते हैं, पानी का बिल भरते हैं, जो टैक्स भरते हैं ना, वो पैसे से वो डेली 10 लाख का ड्रेस, एक एक ड्रेस पहनता है, वर्ल्ड टूर करके आता है। लेकिन इधर हम आम जनता मर रहे हैं, तो पहले उसकी शादी करनी चाहिए, उसको घर बसाना चाहिए, वो घर बसाने के बाद उसको मालूम पड़ेगा कि क्या है महंगाई, क्या है, तब उसको मालूम पड़ेगी। तो और अभी हम नारा लगा रहे, बोल रहे लेडीज़ क्या करते, बोल रहे ना, हमारी प्रियंका गांधी जी 40% लेडीज़ के लिए MLA टिकट सीट दे तो पी के अंदर देश है। आगे भी हमारे सब तरफ हम कर्तव्य को बात करें, उसके प्रयत्न से हम लेडीज लोग कितने की आज्ञा आ रहे। विधि अपारस्त्रीय महिला दिनाचरणे ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು ರೋಹಿಣಿ ಮೇಡಮ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅವರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನಮಗೂ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲರಿ, ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ರೋಹಿಣಿ ಮೇಡಮ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡತ್ತಾರು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಶುಭಾಶಯಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಲ್ ತಂದಿಟ್ಟು ಆದರೂ ಲಾಸ್ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರ ಸಂಬಂಧ ಆಗಿ ಇವತ್ತೊಂದು ದಿನ ನಾವು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳದೇವಿ, ಅವ್ರ ಸಂಬಂಧ ಆಗಿ ನಾವು ಎದ್ದು ನಿಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಯಾರು ವತ್ತಿಂದ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಒಳಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ರೋಡ್ ಹೊಲಿತೇವೆ, ಗಟ್ರ ಬಳಿತೇವೆ, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸದಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನೂ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋಕೆ ಇವತ್ತು ರೋಹಿಣಿ ಬಾಬ್ಶೆಟ್ ಅವರು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇದನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಹಿಂಗೊಂದು ಗುಂಪುಗಟ್ಟಲೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ. आज विश्व महिला दिनाचरणे है, तो मेरी टीम बीदी बदी व्यापारस्त्र जो पूरी बेलगाम में बड़ी टीम है, जो घर घर भी पहुंचकर, जब ये कोरोना था तभी घर घर पहुंच के भी इन्होंने घर तक सब्जी पहुंचाई है. तो ये हमारी टीम जो है मेरे साथ हमेशा रहती है, तो मैं इनका मन से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और एक और बार सबको महिला दिन की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ. मैडम, आप जो यहाँ पर कांग्रेस मौजूद है, सिलसिले में आप महिलाओं को देना चाहते हैं? पहली बात तो मैं लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ मैं लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ मैं लड़ सकती हूँ, यही नारा मैं पहले देना चाहूँगी. क्योंकि किसी भी क्षेत्र में लड़कियाँ पीछे नहीं है, हर एक क्षेत्र में लड़कियाँ आगे है. और इसी महिला दिन के उपलक्ष्य में मैं सबको बधाइयाँ देना चाहती हूँ और हर एक क्षेत्र में महिलाएं आगे आके लड़ना चाहिए, किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहना चाहिए. मेरा बस हर एक लेडीज को यही मैसेज देना. तमाम खबरों को प्राइम न्यूज इंडिया को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, लाइक और शेयर करना न